गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ट्रेंड्स। मैं हूं अरवा और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं अयूर के स्किन टोनर का रिव्यू। गाइस जैसे आप लोगों को कुछ मालूम ही है कि अगर हमें हमारी फेस को क्लीन रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें ये तीन स्टेप्स तो हमारी रेगुलर स्किन केयर रूटीन में शामिल करना ही चाहिए, जो है क्लीनिंग, अपना फेस अच्छे से वॉश करना चाहिए कोई भी अच्छे से फेस वॉश से, या फिर अयूर के क्लींजिंग मिल्क से भी आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कर सकते हो डेली। तो गाइस अयूर का जो क्लींजिंग मिल्क है उसका रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को। गाइस वो भी बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव क्लींजिंग मिल्क है, मैं बहुत टाइम से उसको यूज़ कर रही हूँ और मैं एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ करती हूँ। एंड जब मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ और मैं मुझे फेस क्लीन करना होता है ताकि वो डीपली क्लीन हो जाए, तभी मैं अयूर का क्लींजिंग मिल्क ही यूज़ करती हूँ। सो गाइस अयूर जो ब्रांड है, भले ही वो बहुत रीजनेबल ब्रांड है, आई अग्री कि वो बहुत रीजनेबल ब्रांड है, लेकिन गाइस क्वालिटी वाइज वो ब्रांड अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये रीजनेबल ब्रांड है तो हर कुछ क्वालिटी इसकी मिलती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अयूर का स्किन टोनर है गाइस, ये टोनर भी बहुत औसम टोनर है। ये गाइस ये आपको 100 ml 50 rupees में मिल जाता है, ये बहुत ही अफोर्डेबल टोनर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अयूर का क्लेंजिंग मिल्क भी डेली यूज़ करें एंड अयूर का ये टोनर भी डेली यूज़ करें। मैं अयूर का एस्ट्रोजन भी यूज़ करती हूँ। ये इसका रिव्यू मैं आपको अब किसी अगली वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन अभी हम टोनर की बात करते हैं। तो इसके पीछे लिखा हुआ है अयूर हर्बल स्किन टोनर विद एलोवेरा रिच इन मिंट एंड रोज़। गाइस आपको ये तो मालूम ही होगा कि एलोवेरा और रोज़ हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़ एंड एलोवेरा हमारे कॉम्प्लेक्शन को, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड एलोवेरा पिंपल्स वगैरह एंड स्किन प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। अयूर स्किन टोनर इज हर्बल प्रिपरेशन विच कंटेन्स एलोवेरा रोज वाटर एंड नेचुरल मॉइस्चराइजर। सेफगार्ड्स द स्किन अगेंस्ट एक्ने, एटमॉस्फेरिक माइक्रोब्स एंड हार्श इफेक्ट्स ऑन द सनरेज। गाइस जैसे मैं भी आपको बताई थी कि एलोवेरा हमारे स्किन में एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में बहुत इफेक्टिव होता है, एंड रोज़ हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत इफेक्टिव होता है। वैसे इसमें यही क्लेम किया गया है कि आपकी स्किन जो है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है बाहर हम जब जाते हैं पॉल्यूशन में, जो हमारी स्किन को जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे हमको ये बचाता है। एंड रिड्यूसेस द पोर साइज टेम्परेली टाइटन्स द स्किन मसल्स विच मेक्स योर स्किन फील रिफ्रेश्ड एंड इनविगोरेटेड। गाइस ये वाला जो स्किन टोनर है ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को टाइटन करता है एंड आपके स्किन को टाइट करता है। उसका जो काम है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप एंड फ्रेश देता है। रोज वाटर अगर आप डेली यूज करते हैं आपके फेस पे तो उससे भी आपका जो है आपका फेस फ्रेश रहता है। सो गाइज ये जो क्लेम्स है कि ये स्किन के पोर्स को छोटे कर देता है, ये सही है। आपके स्किन जो पोर्स, आपके अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, आपको ये तरफ बहुत लार्ज पोर्स हो, तो अगर आप ये डेली यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप में बता दूंगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ये टू वेज में यूज़ होता है, या तो आप इसको कॉटन के साथ यूज़ कर ले या आप इसको डायरेक्ट हाथ पे लेके यूज़ कर ले। मैं आपको अपनी क्लिप में बता दूंगी इसको कैसे यूज़ करना है। गाइस जब आप ये यूज़ करते हैं तो आपके इमीडिएटली उसी टाइम पे आपके जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपके पोर्स छोटे हो जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ भी डर्ट पॉल्यूशन आपके पोर्स में नहीं बैठेगा, तो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो एक कुछ टाइम बाद, एक 2-3 months के बाद आपके जो पोर्स है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएंगे। 2-3 months से ज़्यादा भी टाइम ले सकता है, लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है आफ्टर योर फेस वॉश। सो उससे आपके जो पोर्स है, ओपन पोर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो डेली यूज़ करने से वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है इससे। क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ तो मुझे ओपन पोर्स, इतने ह्यूज ओपन पोर्स नहीं है। मैं अभी रिसेंटली अपने गुड वाइब्स के फ्रोस्ट टोनर पर शिफ्ट हुई हूँ, जब मैं अपने आपसे अपना पर्पल हॉल शेयर करी थी, जब ही उस वक्त ही मैं रोज टोनर मंगाई थी गुड वाइब्स का। एंड जब ही शिफ्ट हुई थी मैं टोनर से, बट उसके पहले मैं यही वाला टोनर यूज़ करती थी। एंड अभी भी बीच में कभी कभी अगर मेरा मन होता है तो मैं यही वाला टोनर यूज़ करती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही वाला टोनर यूज़ किया था मेरे फेस पे। गाइस जब आप ये फेस वॉश करके आते हैं एंड उसके बाद ये आपके फेस पे आप लगाते हैं तो आपके फेस में एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है। अगर गर्मियों में आप जब ये लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपकी स्किन बहुत ठंडी फील करती है। एंड वो सेंसेशन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे स्किन पे कुछ वर्क कर रहा है। इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर लें इसको, आप इसको पैच टेस्ट कर
हर किसी की स्किन अलग होती है एंड हर किसी की स्किन का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो आप इसको लेने के पहले आप इसको पैच टेस्ट कर लें। एंड ये बहुत ही रीजनेबल टोनर है, अगर आप कोई महंगा वाला टोनर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं एंड आपको अपनी स्किन को टोन अप करके रखना है तो ये वाला टोनर इज वेरी गुड टोनर। वो आयुर इज अ ट्रस्टेड ब्रांड, यू कैन गो फॉर द टोनर। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज हिट ऑन दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। ऑल्सो हिट ऑन दैट बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।